एपिसोड 76 76। श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे। कोसलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल बंधु सखा संग ले ही बोलाए बन मृगया नित खेल जाए पावन मृग मारही जिया जानी दिन प्रतिनृप ही देखावही आनी जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता अज्ञा अनुसरही जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा कर ही कृपा निधि सोई संजोगा वेद पुराण सुन ही मन लाए आपु कहीं अनुजन समझाए प्रात काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावही माता आय सुमागी करही पुरकाजा देख चरित हर्षय मन राजा अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप।
सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप जग जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत जग निसाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरही न निसचर पापी। तब मुनि बर मन कीन बिचारा प्रभु अवतरउ हरन महि भारा। एहु मिस देखो पद जाई करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। बहु विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरउजल गए भूप दरबार। गमन सुना जब राजा मिलन गय उले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन मानी निज आसन बैठार धियानी। चरण पखारि कीन्ही अति पूजा मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा मुनि बर हृदय हर्षि अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुत चारी राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हर्षि बचन कहराऊ मुनि अस कृपा न कीन्हे हुकाऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा कहु सो करत न लावउ बारा। असुर समूह सतावही मैं जाचन आयऊं विप तो ही। अनुज समेत देहु रघु ना था निसिचर बध में हो सना
था।